अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अभी मैं बनाने लगी थी ये है तंदूरी चिकन टिक्का बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये हरी मिर्च का पेस्ट लिया, नमक और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड मिर्च का पाउडर और कश्मीरी रेड मिर्च का पाउडर और तंदूरी मसाला यूज़ करूँगी साथ में। और चिकन को मैंने ये कट्स लगा दिए हैं, ये मैंने फुल थाई पीस लिए हैं और इनको मैंने कट लगा लिए हैं। और दो लेमन हम इसमें पहले स्क्वीज कर लेते हैं। साथ में हमने ये लिया है, ये ग्रीक योगर्ट है, ये काफ़ी थिक और क्रीमी होता है। इसके मैं दो चम्मच लूँगी। और ये तंदूरी मसाला, इसके भी मैं दो चम्मच ले लूँगी, आधा ऐसे ही गिर गया तो। और थोड़ा सा डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने चिकन के कट लगा लिए हैं पहले से, अब इनको अच्छी तरह से हाथों से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अंदर तक मसाला। इसको मैं लगा के 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, फिर मैं इसको ओवन में बनाऊँगी क्योंकि कोयले नहीं मिले हैं ग्रिल करने के लिए। दोनों साइडों पे अच्छी तरह से मसाला लगाएं। चिकन को मसाला लगा लिया मैंने अच्छी तरह से, अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए ताकि अच्छे से मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए, फिर इसको मैं ओवन में ही करूँगी ग्रिल करूँगी। तो देखते हैं 2 घंटे के बाद। चिकन के सारे पीसेस मैंने ओवन डिश में ट्रे जो होती है उसमें फॉइल लगा के मैंने अरेंज कर दिया, और साथ में जो मसाला बचा था उसमें मैंने पोटैटो कट करके वो भी साथ साइडों पे अरेंज कर दिया, जिसको मैं रखूँगी ओवन में ऑलमोस्ट 50 मिनट और 1 आवर के लिए।
देखेंगे आफ्टर 1 आवर। मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का रेडी है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं खाने के लिए, उनका भूख लग गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।